अमरोहा में एक कलयुगी पति ने दहेज में 2 लाख और बुलेट मोटरसाइकिल न मिलने पर अपनी पत्नी को दिया तलाक। आधी रात को मारपीट कर निकाला घर से बाहर। अमरोहा के गजरोला कोतवाली इलाके में मानपुर फाटक के पास एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। अमरोहा के डिडोली कोतवाली इलाके में नेशनल हाईवे पर एक टाटा मैजिक अनियंत्रित होकर यात्री टीन सेट से टकराए। हादसे में टाटा मैजिक चालक की मौत, परिचालक गंभीर रूप से हुआ घायल। बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव में नाबालिग युवती के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे युवक सौरभ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में घुसकर किया था बलात्कार। आरम की फिल्म प्रेजेंट कॉमेडी फिल्म बकरा बिकाऊ है यूट्यूब चैनल पर हुई लॉन्च। इस मौके पर आसिफ अली प्रधान और फिल्म के सभी कलाकार रहे मौजूद। यूपीएससी परीक्षा में 126वीं रैंक लाकर जनपद का नाम रोशन करने वाले विश्वजीत सौरवियान को राकेश टिकैत ने उनके घर पर पहुंचकर दी बधाई। विश्वजीत सौरवियान ने 5वें प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा की उत्तीर्ण। नहटोर में लाखों रुपए की कीमत से बना हुआ बारात घर अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। शौचालय व बाथरूम पूरी तरह से पड़े हुए हैं क्षतिग्रस्त। रेहड़ के अमानगढ़ रेंज के कैंप कार्यालय पर यूपी व उत्तराखंड के वन अधिकारियों ने वन क्षेत्र और वन्य जीवों से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बैठक का किया आयोजन। नजीबाबाद के मुगलू शाह इलाके में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। बिजली पानी से तरसे लोग, सड़कें पानी से तालाब में हुई तब्दील। 4-4 फीट बारिश के पानी से डूबने की कगार पर भी कार। बारिश से आवागमन हुआ बाधित, घरों में कैद हुए लोग। रेहड़ के ग्राम मछमार में गुलदार ने फिर किया युवक पर हमला, दूसरे युवक ने आकर बचाई जान। चांदपुर निवासी नेहा शर्मा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग में बनी एसडीओ। घर पर बना खुशी का माहौल बधाई देने वालों का लगातार था। चांदपुर के हिमपुर दीपा थाना क्षेत्र में घर में लड़की को अकेले देखकर गांव के ही युवक ने किया घर में घुसकर नाबालिग लड़की से बलात्कार। आरोपी मौके से फरार। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करा और कार्रवाई में जुटी। धामपुर में पहली बारिश ने फेल करी नालों की सफाई। अधिशासी अधिकारी ने कहा अभी और होगी नालों की सफाई। शेरपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई सराय में रहने वाले एक युवक की दिल्ली में चाकू से गोद कर कर दी गई हत्या। ईंट की खरीदारी करने के दौरान आरोपियों ने उस पर किया हमला। देर रात शव घर पहुंचने पर परिजनों ने सुपुर्दे खाक किया। रिहड़ में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों ने हृदय रोग, मधुमेह, आंख, नाक, गला आदि रोगों की जांच कर 75 मरीजों को दी फ्री दवाइयां। अफजलगढ़ थाना दिवस पर पहुंचे एसपी नीरज कुमार जादौन ने
थाना दिवस पर आए लोगों की सुनी शिकायतें, दो शिकायतों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। संभल में मूसलाधार बारिश के बाद दो दिन से पड़ रही उमस भरी गर्मी से आम जनमानस को मिली राहत, बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। बिजनौर के चांदपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासनिक व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने चांदपुर पैजनिया मार्ग का किया निरीक्षण। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।